लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। पुरानी रंजिश में फायरिंग की घटना में 3 लोगों को लगी गोली, जिससे 3 गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को नगर के संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां से 3 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। गांव भादरी में घर के दरवाजे पर कुछ ग्रामीण शराब के नशे में चूर खड़े हुए थे। वह आपस में गाली गलौज कर रहे थे, जिसका उक्त मकान मालिक ने विरोध किया, जिसको लेकर आपस में विवाद भड़ गया और दोनों पक्ष एक दूसरे को गालियां देने लगे और बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में फायरिंग होने लगी और मध्य रात के बाद हुई फायरिंग और मारपीट की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्राम ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और फायरिंग की घटना में 3 लोगों को गोली लगी। गोली लगने से 3 लुहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और यहां पर चिकित्सीय परीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। घायल हुए लोगों में गौरव उम्र 25 वर्ष, पुत्र राजेश, 30 वर्षीय भूरे पुत्र उदयवीर, ब्रह्मदेव उर्फ बंटू पुत्र उदयवीर सिंह शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों में एक पुरानी रंजिश है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। जी, हम तो घर पे थे, जैसे वो हल्ला हुआ है हम वहाँ पहुँचे हैं। वो ऊपर से गाली दे रहे थे, ये नीचे थे, तो हम अपने भाइयों को लेके घर आ रहे थे। उसने नहीं सुनी, नहीं हमारी बात, वो जानना था कि ये भी आए, उसने सर गोली चला दी। ये हो गया सर। कितने लोग घायल हुए? ये सर 3-4 लोग हो गए। कौन से गाँव का मामला? भाड़ी का है। कल रात थाना सिकवाबाद के भाड़ी गाँव में एक झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे। तो उनका जो वहाँ पे पड़ोस का एक आदमी था, जिसके पास लाइसेंसी डबल बैरल की बंदूक थी, उसने उससे फायर कर दिया। उस फायर से 3-4 लोगों को जो वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, उनको छर्रे की चोटें आई है और इसमें उनसे तहरीले के मुकदमा लिखा जा रहा है। जिनको चोटें लगी हैं उनकी स्थिति सामान्य है, गंभीर चोट नहीं है। और इसमें जो वहाँ पे मौके पे छानबीन पे पाया गया कि ये दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे किसी बात को लेकर, उसी में तीसरा पक्ष जो है वहाँ पे, जो पड़ोस में रहता है, उसने अपने छत से फायरिंग कर दी थी, जिससे उनको ये जो बंदूक के छर्रों से चोटें आई थी। मेला फूल डोल समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। 12 मार्च 2020 को 217वीं बार एक भव्य मेले का आयोजन मोहल्ला कोटला राजाराम विधायक जी की मूर्ति के पास किया जा रहा है, जिसमें सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। कृपया मेले में पधारकर मेले की शोभा बढ़ाएं। संदीप तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित जिला प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, भाजपा अध्यक्ष, ऐसे ब्लड डोनेशन क्लब, यूथ ब्लड संयोजक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पार्षद देश दीपक यादव, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी नगर वासियों से अपील करता हूँ कि इस होली पर रंग और गुलाल से बचकर रहें। अब स्वयं और अपने बच्चों को रंग और गुलाल से दूर रखें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे बचाव रखें। मैं डॉक्टर दिलीप यादव, MLC आगरा फरीदाबाद क्षेत्र। इस पावन पर्व पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने जिले के सभी वासियों को, प्रदेश के वासियों को, और ईश्वर से दुआएं करते हैं होली का त्यौहार पूरी तरह से अमन चैन से मनाएं और खुश होकर मनाएं और इस सावधानी के साथ मनाएं। वर्तमान जो बीमारी चल रही है, चाइना से आई है, उस बीमारी को नज़र में रखते हुए अपने परिवार में ध्यान रखें, कहीं कोई बीमारी का असर हमारे परिवार में ना आ जाए। और जो होली खेलें उसमें भी रंग का ध्यान रखें, और जो बच्चे छोटे छोटे कीचड़ की होली खेलते हैं उसमें भी ध्यान रखें, कहीं कोई किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस बीमारी पैदा ना हो जाए। ये त्यौहार इस तरह का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिससे गले शिकवे दूर होते हैं, बुराइयाँ दूर होती हैं। और इसी के साथ पुनः अपील, हम सब लोग मिल करके हिंदू मुस्लिम मिलकर होली मनाएं। और ये फिरोजाबाद शहर और फिरोजाबाद जिला ऐसा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर के व्यापार भी करते हैं, व्यापार के साथ साथ त्यौहार भी एक दूसरे के, ईद हो या होली हो या दीपावली हो,
सब एक दूसरे मिलकर के मनाते हैं और इसी तरह से हम खुशी से मनाएं और अपने इस त्यौहार को पर्व की तरह पूरी तरह से मनाकर घर में खुशहाली का माहौल पैदा करें। अनार सिंह कुशवाहा जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलमाला राठौर पार्षद सतीश राठौर पार्षद पति वार्ड नंबर 36 नगला पचिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुर्गपाल सिंह डीपी यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी होली पर सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर सभी लोग रंगों की होली न खेलते फूलों से होली खेलें, कींच मिट्टी वाली होली से बचें और सारे लोग फूलों की होली खेल के अपना होली का ये उत्सव मनाएं। और इस विषय पर जनपद वासियों को मैं ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। कमलेश यादव यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इकरा कॉन्वेंट स्कूल सैलई फिरोजाबाद की तरफ से शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोपाल जी ज्वेलर्स सुहाग नगर चौराहा भीम नगर रोड फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री व राजस्थान प्रभारी हिंदूवादी नेता पंडित हरदेश शर्मा व समस्त युवा वाहिनी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ यादव इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राहुल जैन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष अग्रवाल पूजा ग्रुप ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को व मक्खनपुर नगर पंचायत को मुकेश राठौर और अनार सिंह कुशवाहा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा इको व्हील्स होली के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारी छूट। इस होली से शुरुआत करें, पेट्रोल का झंझट खत्म करें, 2 साल की पेट्रोल में गाड़ी घर ले जाएं। हमारा पता बरी का नगला चौराहा।